आज व्हाइट कलर का लिपस्टिक लगाई हूँ गाइस, आप लोग देख लीजिए क्योंकि मेरे पास यही समय है तो इसी से काम चला रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और यहां पर मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और यहां आ चुके हैं जितने भी घर के अंदर के काम हैं सारे काम को निपटाने के बाद मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि सासू माँ आ गई थी तो हमने कहा बस अब मिट्टी का ही काम कर लेते हैं, क्योंकि जो अधूरा सा दीवार अभी हमारा रह गया है उसको भी आज पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ आज काफ़ी सारी मिट्टी उठने वाली है फ्रेंड्स, आप सभी भी फुल एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी सासू माँ जितनी भी मिट्टी है सारी मिट्टी को बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, तालाब का जो जैसे कि होते हैं ना छोटे छोटे गड्ढे से इधर उधर हैं तो बस एक जगह एक काफ़ी गड्ढा सा है, जहाँ से पहले मिट्टी उठा था वहाँ गड्ढा सा हो चुका है, तो बस अब वहीं से मिट्टी उठा रही हैं सासू माँ। और यहाँ पर सृष्टि देख सकते हैं दूसरे वाले गड्ढे में, वहाँ पर मिट्टी निकालने के लिए घुसी थी लेकिन काफ़ी गड्ढा है, उसका पैर धंसते जा रहा है, तो वही अब उसको बोल रहे हैं कि तुम इधर आओ, हम मिट्टी तुम्हें ऊपर तक थमाएंगे और तुम ऊपर से ले जाकर टब में भरना। तो बस अब सृष्टि आएगी वो काम करेगी, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर तक चढ़ा देंगे फ्रेंड्स। सबसे मुश्किल का काम यही होता है कि बस मिट्टी को ऊपर चढ़ा दे तो उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, और उसके बाद से फिर सृष्टि वहाँ से रास्ते से लेकर जाएगी और ठीक मिट्टी के घर के सामने ही टब रखे हुए हैं उसी में मिट्टी को भरेगी। तो एक टब से ज़्यादा ही आज मिट्टी जाएगा फ्रेंड्स, जो भी जितना भी हमें पूरा दीवार जुड़ाई नहीं करना है, बस उतना ही कवर करना था जैसे कि उधर का जो भी है सारा सीन इधर भी दिखता था। और आप सभी ने देखा ही है फ्रेंड्स, दीवार जुड़ाई करते टाइम जितना भी कारखाने का जो भी उधर का रंग वगैरह जो है कालीन के सभी कुछ दिखते रहते हैं तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, तो बस वो कवर हो जाए उतना ही हमें दीवार का जुड़ाई करना है। तो अभी आज उस काम को पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, तो आज के वीडियो में आप सभी फुल एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज काफ़ी सारी मिट्टी ही मिट्टी देखने को मिलेगा आप सभी को। तो यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो मिट्टी है काफ़ी मेहनत से निकलता है और वो मेहनत का काम कर रही हैं हमारी माता जी, क्योंकि इनसे मिट्टी भरते अच्छे से बनता है फ्रेंड्स, और हम मिट्टी भर नहीं पाते हैं तो माता जी भर देती हैं, तो हम इधर से मिट्टी थमा देते हैं सृष्टि को और सृष्टि उधर से लेकर जाकर टब में भर देती है। तो ऐसे पे क्या है, एक ही इंसान को थकान नहीं होता है, और ऐसे पे तो आप सभी देखते ही हैं हर ब्लॉग में कि जब भी मिट्टी का कोई भी काम हो हम अकेले ही दिखते हैं, लेकिन दीवार की जुड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है हमारी माता जी। और यहाँ पर जब भी मिट्टी भरने का काम लगा है तब माता जी ने ही भरा है, और हम इधर से थमाते हैं सृष्टि उधर से ले जाती है, तो ऐसे पे क्या होता है काम आसान भी हो जाता है। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट भी आया था कि जो भी काम आप करते हैं सारे काम को अकेले ही करते हैं, बच्चे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं देखते हैं हम, तो आप जैसे कि बच्चे तो इस समय दोनों जो बेटे हैं हमारे इस टाइम पर है नहीं, छुट्टियों में ही छुट्टी मनाने गए थे फ्रेंड्स, तो जो भी अभी उनका पढ़ाई का काम है वो ऑनलाइन चल रहा है, और अभी वो आएंगे रक्षाबंधन से पहले 12 तारीख को उनका टिकट है, तो इसीलिए अब बच्चे हैं नहीं और अकेली है सृष्टि, तो सृष्टि भी हमारी काफ़ी हेल्प करती है हर काम में, लेकिन ब्लॉग बनाने में फ्रेंड्स हम बच्चों से हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके जैसे बच्चे भी काफ़ी उलझे रहेंगे काम में ही तो कब पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो बस यही सब के लिए सृष्टि अब जो भी होता है मॉर्निंग का अभी देख सकते हैं आज तो इधर ही भिड़ी हुई है, इधर से उठेगी तो ये नहाने के बाद निकल जाएगी पढ़ाई के लिए, और मैं बनाऊंगी दोपहर का लंच, क्योंकि बस अब
टाइम हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। अभी इसका अभी यहाँ से नहा कर निकलने वाली है स्कूल के लिए, और मैं नहाने के बाद तुरंत जाऊँगी किचन में, क्योंकि जब ये रहती है जैसे कि मॉर्निंग में ये फ्री रहती है तो फिर सारे काम को निपटा कर जाती है जो भी किचन के अंदर का काम होता है, क्योंकि मिट्टी के काम करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, तो एकदम जैसे थकान सा हो जाता है। और मिट्टी के ही काम नहीं करते हैं, उस ऊपर से हमारी जितनी भी बहनें जुड़ी हैं पहले से, उनको तो सब कुछ पता है कि जो भी है सनी के पापा का पूरा ख्याल रखना पड़ता है, उनको भी जैसे ब्रश से, मंजन से, नहवाने से, धुलाने से, जो भी होता है सारा काम हम ही उनका करते हैं। और हमारी सभी बहनों को पता भी है उनका तबीयत नहीं ठीक है तो पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है, तो सब कुछ अपने को ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि जब तक रहती है बस किचन का काम, जैसे नाश्ता हो गया, दोपहर का लंच हो गया, अगर कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स तो जैसे लेट होता है उसे, देर होता है, तो फिर दोपहर का लंच मैं खुद ही ये सारे काम को निपटाने के बाद बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का जो लंच होता है 11 बजे के बाद ही जैसे खाना होता है, तो फिर थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी कभी उसको, तो मैं कर लेती हूँ उसको, क्योंकि तब तक हमारा काम ये सब हो जाता है, मैं फ्री हो जाती हूँ तो आराम से बन जाता है। और आज भी वही होने वाला है, सृष्टि निकल जाएगी तो फिर अभी इधर से काफ़ी सारी मिट्टी को मैं लेकर जा रही हूँ, भर तो रही हैं सासू माँ, उधर से मिट्टी भी खन रही हैं, देख सकते हैं फुल मेहनत तो इन्हीं का हो रहा है, लेकिन अभी अपने को भी थकान हो जाता है, तो क्योंकि धूप भी लग रहा है फ्रेंड्स, बादल वाला धूप है, काफ़ी तेज़ से धूप लग रहा था, तो बस हमने कहा किसी भी तरीके से आज मेहनत हो जाएगा तो फिर मिट्टी हमारा इकट्ठा सा हो जाएगा, तो काम भी ईंट का जो भी है फाइनल कर देंगे शाम तक। तो अभी तो मिट्टी ले जाने में ही लगे हुए हैं, इसमें आधे घंटे पूरा लगा था फ्रेंड्स, आधा घंटा मिट्टी का काम ले जाने वाला हुआ था। इसके बाद से फिर सृष्टि नहाने के बाद चली गई थी स्कूल के लिए, और मैं क्या है कि फिर अपने काम में ही लगी हुई हूँ। और आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज का, थोड़ा बहुत जो भी है रियल आवाज़ भी आप सभी को सुनाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि जब भी कोई काम होता है फ्रेंड्स मिट्टी वाले काम पे, तो अगर वहाँ सनी के पापा बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ वो बोलते ज़रूर हैं, तो ऐसा ही कुछ आज ब्लॉग में वो बोल रहे थे और मैं भी वही हरकत करने लगी, क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ तो वो इस तरीके का बात बोलें, और मैं वही उसी हरकत को करने में लग गई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी ले जाने का काम कम्प्लीट हुआ फ्रेंड्स, और सासू माँ अपना हाथ धुल रही थी तालाब में, और वहाँ से उठने के बाद वो भी नहा ली, और मैं भी नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आ चुकी हूँ, क्योंकि 9 बजे तक हमारा भी नहाना और जो भी है पूजा वूजा हो चुका था। और यहाँ पर दाल हमारा हो चुका है, चावल भी हो चुका है, सब्जी हम चढ़ाए हुए हैं, और दाल चावल ही जब बनता है फ्रेंड्स तो थोड़े बहुत जैसे सीटी जब आता है तो छींटे आ जाते हैं, जैसे कि जो है गैस के ऊपर काउंटर के ऊपर, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा जैसे दाल जब सीटी दे रहा था तो छींटा सा आ गया था, तो हमने कहा बस लगे हाथ इसको भी साफ़ करते जा रहे हैं, काउंटर भी और गैस वगैरह भी पोंछ देते हैं, सभी क्लीन हो जाएगा ताकि दिखने में साफ़ लगता है किचन, तभी अच्छा लगता है। और एक साइड कर देते हैं खाना को, जो भी दाल चावल हमारा बना है और सब्जी अभी हमारा बन रहा है, और तब तक हम धुल लेते हैं, जो भी कपड़े हम साफ़ किए थे उसको हम बाहर ले गए धुल कर आए, क्योंकि उसमें नहीं सिंक में नहीं धुले थे, सिंक वगैरह भी साफ़ कर दिए, इसमें थोड़ा सा चावल वावल लग गया था तो जो गिरा था, तो इसीलिए हम बाहर लेकर गए थे धुलने के लिए। और यहाँ पर एक बर्तन में सब्जी धुला हुआ था तो वो भी पानी वहीं था, तो पानी को हमने बस नीचे गिराकर और इसको भी धुलकर लगे हाथ रख देते हैं, साफ़ हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ जो भी काम है छोटे छोटे सारे काम को निपटा भी लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा सब्जी बनकर भी रेडी हो चुका है, क्योंकि दाल चावल के साथ भुजिया ही काफ़ी टेस्टी लगता है, तो बस यहाँ बनाए हैं कुंदरू और आलू का भुजिया, और किनारे किनारे चावल कर दिए हैं फ्रेंड्स, बीच में थोड़ा सा जगह खाली है तो वहीं रख लेते हैं सब्जी, क्योंकि सनी के पापा को अभी नहीं खाना था दोपहर, जो भी है अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, और हमें तो जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है फ्रेंड्स हम तो लेते नहीं हैं, बस सीधे नहाने के बाद हमारा चाहे नाश्ता हो चाहे दोपहर का लंच हो, बस एक ही बार होता है, तो बस बैठ गए हैं अब थोड़ा सा खा लेते हैं खाना। और
और दाल में खटाई डाले हुए हैं फ्रेंड्स, जो कि हम ब्लॉग में भी शेयर किए हुए हैं, क्योंकि दाल इसे काफ़ी टेस्टी बनता है। दाल फ्राई नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन इस खटाई के पड़ने से दाल का स्वाद बढ़ जाता है। तो बस थोड़े थोड़े मैं खटाई का भी टेस्ट लेते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे खटाई बहुत ही पसंद है। तो खटाई था इसलिए हमने अचार वगैरह नहीं लिया। और आज के दोपहर में बस दाल चावल भुजिया ही बना था फ्रेंड्स, रोटी नहीं बनाए थे। और वैसे भी हमें दिन में हमें चावल ज़्यादा जैसे पसंद है फ्रेंड्स, रोटी नहीं मिलेगा चलेगा, पर चावल हमें चाहिए, क्योंकि बिना चावल के पेट नहीं भरता है। तो बस अब जो भी मॉर्निंग का नाश्ता था फ्रेंड्स, सृष्टि अपने लिए भी बनाई थी, अपने पापा के लिए भी परेठा वगैरह बना ली थी, तो उन लोगों का हो गया था। दोपहर में वो लोग भी दाल चावल ही खाएंगे। अभी सृष्टि का भी आने का टाइम वही होता है, 1:30 से 2 बजे तक आ जाती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी है मिट्टी में आप सभी को दिखा रही थी, बस अब मिट्टी में लगने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी इकट्ठा सा वहाँ रख गई है और काफ़ी सारे ईंट भी यहाँ फैले हैं, कुछ बाहर भी हैं। तो बस अब आज इतना दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा काम और करेंगे, जितना भी ईंट यहाँ फैला है और बाहर का सभी ईंट को आज हमें किसी भी तरीके से भले ही अंधेरा हो जाए पर काम अपना आज फिनिश करना है। बस से यहाँ पर आज जुड़ाई का काम ख़त्म करेंगे, इसके बाद से फिर छपाई का काम शुरू करेंगे, क्योंकि नीचे का भी जो भी फर्श वगैरह है सभी खराब हो चुका है। काफ़ी ईंट यहाँ पर फैलने से काफ़ी जैसे कि उखड़ा उखड़ा सा हो गया है, इसमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो बस अब इसका हम छपाई कर लेंगे फ्रेंड्स, दीवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यही दीवाल नहीं है, इसके सामने से जितना भी होगा सभी का हम थोड़ा सा जैसे छपाई करेंगे, जहाँ तक हम छोड़े हुए थे, इसीलिए हम छोड़े हुए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सोचा कि दीवाल का जुड़ाई कर लेंगे, इसके बाद से जो भी हमें यहाँ छपाई का काम जहाँ तक करना होगा वहाँ तक करेंगे। तो बस देख सकते हैं मिट्टी को हम अच्छे से फैलाते हैं मोटी लेयर में, इसके बाद से उसके ऊपर ईंट रखते जाते हैं हाथ से ही। तो अच्छे से हमारा देख सकते हैं ईंट का जुड़ाई भी हो रहा है, एकदम जैसे मिस्त्री लोग करते हैं ना, बस उसी तरीके से मैं भी कर रही हूँ, थोड़े थोड़े करके ही अपने काम को कर रही हूँ फ्रेंड्स, बाकी बहुत ही अच्छे से हमारा काम हो रहा है। और हमें भी काफ़ी खुशी मिलता है जब हमारा काम काफ़ी अच्छे से होता है बनता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ईंट का जुड़ाई हमारा कम्प्लीट हो रहा है धीरे धीरे, अब हो जाएगा, थोड़ा सा ही ईंट इधर फैला हुआ है तो ये भी कर लेंगे, कि जैसे जैसे मिट्टी ख़त्म होता है जुड़ाई करते टाइम, तो बस बाहर ही रखा है मिट्टी जो टब में भर के, तो वहाँ से जाते हैं मिट्टी उठा उठा कर फिर लाते हैं और अपने काम को करते हैं। ऐसे में बच्चों का हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि अब ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स, इस टाइम पे 5 बजे से हमने अपने काम को शुरू कर दिया। और सृष्टि अपना जो भी है जैसे उसको जो भी स्कूल का काम मिला होता है फ्रेंड्स उसको करती है, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, और फिर इसके बाद से फिर वो लग जाएगी जैसे कि शाम का जो होता है ना डिनर वगैरह बनाने में, तो वो लग जाती है। और यहाँ पर बाल्टी में थोड़ा सा जैसे एक गाढ़ी सी मिट्टी हो गई थी पानी का घोल जैसे, तो बस उसको हमने इसी में गिरा दिया और थोड़ा सा पानी इसमें भरा पड़ा है, क्योंकि इससे क्या होता है मिट्टी सूखता नहीं है। और नीचे वाला मिट्टी देख सकते हैं जो नीचे रखा पड़ा है फर्श पे, वो मिट्टी थोड़ा सा सूखा सूखा टाइप में हो गया है, तो टब वाला मिट्टी काफ़ी अच्छा है, तो फिर अभी टब में ही भरा है तो पहले टब को खाली कर लेते हैं, इसके बाद से नीचे का भी मिट्टी इसी में भर देंगे। और मिट्टी भरते भरते नाखून जो है हमारा फ्रेंड्स, नाखून में थोड़ा सा जैसे मिट्टी का जो होता है ना सीट का जैसे छोटे छोटे से कंकड़ जैसे होते हैं वो लग गया था, और काफ़ी दर्द भी हो रहा है एक उंगली के नाखून में, और बहुत ही दर्द हो रहा था हमें। तो फिर लेकिन अपना काम हो जाता है तो फिर दर्द को भी सहने की क्षमता हो जाती है, खुशी भी मिलता है। तो आज हमारा जो भी जुड़ाई का काम है फाइनली कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, और अभी तो हम कर ही रहे हैं लेकिन हमारा काम हो चुका है, क्योंकि सारे ब्लॉक को तैयार करने के बाद ही हमारा वॉइस ओवर का काम होता है। तो बस और जिस टाइम पे वॉइस ओवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस टाइम पे रात के 10 बज रहे हैं, क्योंकि सारे काम को निपटाने के बाद ही फिर हमने नहाया, और नहाने के बाद कुछ टाइम तक जैसे वीडियो का एडिटिंग भी करना था, तो एडिटिंग करने के बाद वॉइस ओवर दे रहे हैं, इस टाइम पे 10 बज रहा है, और यहाँ मिट्टी को फुलाते जा रहे हैं। और आप सभी बने रहिएगा क्योंकि मिट्टी भरते जा रहे हैं, सनी के पापा सामने ही बैठे हैं और मैं मिट्टी भर रही हूँ, और मेरा मजाक भी उड़ाते जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी देख ही रहे हैं फ्रेंड्स से
कपड़े हमारे एकदम मिट्टी से सन चुके हैं, क्योंकि जो भी दीवार का काम होता है, दीवार छपाई का काम होता है, तो या तो दीवार के पुताई का काम होता है, कितना भी बचाएं पर मेरा जो भी है कपड़ा खराब ही हो जाता है मिट्टी से। फ्रेंड्स पूरे मिट्टी में सन जाते हैं एकदम सारे कपड़े। और जो भी है गर्मी तो पड़ ही रहा है, काफ़ी अच्छे से गर्मी पड़ रहा है, इसी गर्मी में हमारा काम हो रहा है। और जब गर्मी लग रहा है फ्रेंड्स तो फेस को मैं अपने पल्लू से ही पोंछते जा रही हूँ और फेस में भी मिट्टी लग चुके हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि मैं मिट्टी खा कर आ रही हूँ, क्योंकि होठों पर भी हमारी मिट्टी लग चुका है। जब ऐसी बात है तो गीली मिट्टी को भी थोड़ा सा चक्कर देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पुताई करते हैं तो काफ़ी अच्छा खुशबू आता है। और थोड़ा सा चखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सनी के पापा मजाक उड़ा रहे हैं। आप सभी रियल आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ को म्यूट नहीं की। सनी के पापा हमारा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि मैं मिट्टी का काम कर रही हूँ, मेरा मिट्टी खाने का मन कर रहा है और ये बैठे बैठे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं होठों पर भी मिट्टी लगा हुआ है हमारे, लगाई हूँ गाइस, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास यही समय है तो इसी से काम चला रही हूँ, व्हाइट कलर का लिपस्टिक लगा के। और सच में फ्रेंड्स जब इस मिट्टी के घर में मिट्टी का काम होता है असली वाला, जो दीवार के पुताई का काम होता है, इतना अच्छा खुशबू आता है इस मिट्टी का, एकदम सोधी सोधी सी महक आती है इस मिट्टी की, जैसे कि चूल्हे की जो भुनी हुई मिट्टी होती है वैसे ही इस मिट्टी का खुशबू आता है, बहुत ही बेहतरीन सा। तो बस मिट्टी का अभी जुड़ाई का काम कर रहे हैं, तो मिट्टी उतनी जो उस खुशबू जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिट्टी के घर में अगर काम चलता है तो खुशबू आता ही है मिट्टी का। और इस मिट्टी को देखकर काफ़ी मन एकदम मोह होता है, क्योंकि इसका खुशबू भी वैसे ही होता है फ्रेंड्स, एकदम पोतनी मिट्टी होती है चूल्हे की, ये पुताई वाली जो मिट्टी होती है वही मिट्टी है ये, और काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। और यहाँ पर इसी मिट्टी से पूरे दीवार की जुड़ाई करते जा रहे हैं, काफ़ी अंधेरा सा भी हो गया है, तो देख सकते हैं अब यहाँ तक हमारा टब और जो भी अल्टी बाल्टी का मिट्टी था सभी खाली भी हो चुका है, नीचे का ईंट भी सभी कुछ एक एक ईंट हम यहां से हटा चुके हैं फ्रेंड्स, छोटा से लेकर बड़ा तक सभी ईंट, और जुड़ाई का काम यहां तक हुआ है। अभी एक लेयर हमें मिट्टी का काम करना है, जो कि जो टूटे फूटे से थोड़े से रास्ते में पड़े हुए हैं ईंट, उसको भी काम में ले लेंगे फ्रेंड्स, और वो तो अंदर हो जाएगा, ऊपर से हम लगा देंगे उसको, तो फिर मिट्टी के छपाई के टाइम वो अंदर हो जाएगा, छपाई का काम कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से खड़े होने पर नीचे का व्यू नहीं दिख रहा है, ऊपर से हम एक पर्दा लगा देंगे पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, तो पूरा एक फाइनल हमारा लुक हो जाएगा कमरे का अच्छे से। ऐसा लगा फ्रेंड्स आज का हमारा मिट्टी का मस्ती भरा ब्लॉग, आप सभी को कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ता है और काम के साथ साथ थोड़े बहुत हंसते मुस्कुराते हुए काम होता रहता है फ्रेंड्स, तो काम भी फटाफट से हो जाता है। और फाइनली आज हमारा उतना काम हो चुका है, बस एक लेयर हमें मिट्टी अभी मॉर्निंग के टाइम लाएंगे तब वो काम हो पाएगा, जो भी थोड़े बहुत टुकड़े जैसे टूटे फूटे से ईंट हैं रास्ते में अभी पड़े हैं उसको भी हटा देंगे, तो रास्ता भी साफ हो जाएगा और इधर वो ईंट काम में भी आ जाएगा। तो ये काम कल करेंगे, क्योंकि मिट्टी ही ख़त्म हो गया था, काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा, बहुत सबसे दीवार के जुड़ाई से ज़्यादा मेहनत फ्रेंड्स मिट्टी लाने में लगता है। तो बस आज आप सभी को, क्योंकि सनी के पापा रहते हैं तो फिर तो वो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैं भी बोलते रहती हूँ, हंसते बोलते सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही फटाफट से सारे काम हो जाते हैं, अच्छा भी लगता है अगर कोई पास में रहता है बातें करते करते काम करने में। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा जब मिट्टी लेने आती थी तो वो हमारे जो कपड़े वगैरह हैं मिट्टी लगे हुए रहते हैं, तो उन्हें भी देख कर वो होता है कि पूरा मिट्टी में ही सारे दिन ये पड़ी रहती है, इसको मिट्टी के काम से ही कभी भी फुर्सत नहीं मिलता है, और कहते भी हैं कि तुम्हें मिट्टी के काम से कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगा, अरे जैसे कि कभी कभी तो रेस्ट ले लिया करो, लेकिन फ्रेंड्स एक दिन अगर मिट्टी का काम नहीं करें तो फिर जैसे अजीब ही लगता है, क्योंकि मिट्टी का जो खुशबू है काफ़ी पसंद है फ्रेंड्स हम, इसीलिए आप सभी ने देखा ही कि जो जिस रूम में फ्रेंड्स हम मिट्टी का काम कर रहे हैं, बाहर भी एक साइड हमने मिट्टी का छपाई का काम कर दिया है, लेकिन ये खिड़की की साइड अभी देख सकते हैं पक्का ही है, जैसे पक्की दीवार पर मिट्टी के काम कर रहे हैं, और ये तो बस हम जैसे रूम, हम एक रूम को कवर करने के लिए दीवार का जुड़ाई का काम कर रहे हैं कि एक रूम हमारा हो जाए, क्योंकि पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा बड़ा सा था,
और उस साइड कालीन का काम चलता था, इस साइड वैसे ही फालतू पड़ा था, तो बस उसको कवर करने के लिए ये हम मिट्टी से जुड़ाई का काम कर रहे हैं। तो ब्लॉग को करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड। और ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का और आप सभी को जाएगा कल यानी शनिवार के दिन दोपहर को। तो बस मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल यानी आप सभी को संडे के दिन मिलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।